हेलो विवाद, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी टंडो मथान बकरा मंडी में हूँ, जहाँ पर आपको नए सुबह की भैंसे हैं, यानी जो भैंसे नए दूध हुई हैं ये वो भैंसे हैं, और ये बहुत ज्यादा कसरत के अंदर यहाँ पर भैंसे होती हैं। चंबड़ मंडी, टंडो मथान मंडी, तलहार मंडी, इनमें बहुत कसरत से ये भैंसे होती हैं। आप देख सकते हैं ये वो आखिर तक, ये आखिर तक है, यहाँ से फिर वो आखिर तक है, उससे भी आगे है। तकरीबन जो है ना 1200-1500 भैंसे यहाँ पर होंगी, ज़्यादा ही हो सकती हैं, कम नहीं होंगे। तो अभी हम इनके अपडेट लेते हैं यहाँ पर लोगों से, देखो कौन अपडेट देगा मुझे यहाँ पर, कौन रेट बताएगा, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कितनी भैंसे लाए हो? चार। कौन कौन सी? एक, दो, तीन, चार। अच्छा, ये कौन सी नस्ल की हैं? अच्छा चलो, इस क्या रेट मांग रहे हो इनका? ये नवा सुबह है, बच्चा हर एक के साथ है, चारों के साथ बच्चा है? एक के साथ है, बाकी सारी बच्चा। अच्छा, इसे क्या मांग रहे हो? गबन है, गबन है भी। अच्छा, ये गबन है, तीन गबन है, गबन, ये गबन है, इसका क्या मांग रहे हो? रेट कौन बताएगा? अच्छा, ये वो बता, ये तीन गबन है, हवाना भी। ये कितने महीने की, कितने दिन निकालेगी बाकी? ये हफ्ता हफ्ता करेगी, हफ्ता निकालेगी, ये भी हफ्ता निकालेगी, ये भी हफ्ता निकालेगी। इसके क्या रेट मांग रहे हो? 290। और इसका? इसका तीन पूरा, तीन पूरा। और इसका? तीन बीस, तीन बीस। अच्छा, कौन कौन सा पेट है, इससे कौन सा पेट है? ये पहला है, दूसरा है, बाकी ये दो 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 है। ये पहले पेट की, ये पहले पेट की है, ये बाकी, ये भी पहले पेट की है। अच्छा, ये दो जो है, ये दो पहले पहले पेट की है, एक दूसरे की है, बाकी ये वाली जो है ये दूसरे पेट की है, ठीक है। और ये वाली, ये दूसरे पेट की, इसे क्या मांग रहे हो? 280। इसके साथ बच्चा है, वो क्या है, कट्टा कट्टी है? कट्टा। आप पंजाबी हैं, सिंधी हैं? सिंधी। कहाँ से आए? बदीन से। अच्छा, अपना फ़ोन नंबर बताओगे? बताओ। 0341 2829 528। ठीक है सर, ये बदीन की भैंस है, और हैं ये चार लाख, ठीक है। ये एक भैंस इनकी खड़ी हुई है, ये इनकी चार पांच भैंस हैं इनकी, एक ये बैठी हुई है, एक ये, एक ये, एक ये बैठी हुई है, और एक वो वाली। ये बैठी हुई है, ब्याह रही है ये? अच्छा, ये अभी ढुकी है, अभी ब्याह जाएगी है? अच्छा, अभी थोड़ा ही टाइम है, इसमें शाम तक हो जाएगी? हाँ, घंटे घंटे डेढ़ में ये ब्याह जाएगी। अच्छा, इसे क्या मांग रहे हो सर? ये तो सिंधी नस्ल लग रही है, बदीन वाली जबरदस्त। इसके मांग रहे हम 260,000। 260,000, जो बैठी हुई है ना जी। कौन सा पेट है इसका? इसका तीसरा पेट, तीसरा पेट है। और ये वाली, इसका क्या मांग रहे हो? और इसका बच्चा है इसके साथ, क्या कटा कटी? ठीक है, इसके क्या मांग रहे हो? इसके मांग रहे हैं 270,000। 270,000 रुपये। और इसके, इसके उसके, इस वाली, इसके 285,000। और इसके, इसके 250,000। इन दोनों, इन सब के साथ बच्चा है? हाँ। और ये वाली, इसके 2,30,000। सर कहाँ से आए आप? हम आए टंडो मामा खान से। टंडो मामा खान के ही हो? ये पीढ़ी से आए? हाँ, टंडो मामा खान, ठीक है। मराड़ी में रहते हैं, लेकिन शहर हमारा टंडो मामा खान, ठीक है। मैं भी टंडो मामा खान का ही हूँ। अभी और भी जानवर होंगे बेचने वाले, या पाँच हैं? डेरे पे खड़े हैं। आपका नाम? आशिक, आशिक अली। अच्छा, आगे आगे गांव कहाँ है? खादिम सान। ये किस तरफ है? खोरवा से इधर, ठीक है। अच्छा, अपना फोन नंबर है? फोन नंबर, फोन नंबर, हाँ बताइएगा। ये अभी ब्याह रही है, ये अभी अपना क्या कहते हैं इसको सर, ये क्या निकाल रही है? बच्चा निकाल रही है। नहीं, ये क्या निकल रहा है? पहले जेर निकालती है या डुबरी है? डुबरी। ये पानी फेंक रहा है बच्चे से पहले, ये पहले पानी फेंक रही है बच्चे से पहले, ये इसने सारा पानी फेंक दिया। ये देखें, ये अभी चलाएंगे, उसके बाद बच्चा दे देंगे। इसको खोल, इसका स्क्रीन शॉट ले। नंबर बताओ। 45, 82, 63,
83, 63, 20, 13 सर आपके पास कितने जानवर हैं? बाकी 40 है जानवर। आते जाते हैं, बिकते हैं, आते हैं। यानी कि काम करते रहते हो भाई, किसी को भी दूध वाली, नवे सुवे वाली, ढुक्की, ट्याणे, जोटियां, जिसको भी चाहिए वो हमारे आशिक भाई से रब्ता कर सकता है। गुरु है। अच्छा भाई, ये देख लो यहाँ पे मस्ती करने वाले लोग भी बैठे हैं, देखो। माशाल्लाह ये दो भैंसे हैं इन भाई साहब की, तो इनसे भी रेट मालूम करते हैं कि इनसे साथ, दोनों के साथ बच्चा है। दो ये क्या नर है, मादी? दोनों कट्टियां हैं। ठीक है सर, आप कहाँ से आए? मीरपुर बठोरों से। ठीक है सर, ये इसका कौन सा पेट होगा पता? ये तीसरा पेट होगा इसका। अच्छा ये सिंधी ना सर? अच्छा इसके क्या मांग रहे हो रेट? 220। अच्छा आपने जितने में लिए उससे अभी कम रेट लग रहा है इसका। अच्छा और ये इसका हम मांग रहे 2,80,000। 2,80,000 रुपये मांग रहे हैं। इसके ज़्यादा होने की वजह? वजह ये इससे नस्ल में फ़र्क है। ये कौन सी कुंडी है? कुंडी है ये, कुंडी नस्ल है। ठीक है। अच्छा कुंडी होता है वैसे ना, कुंडी होता है, कुंडी कुंडी। ठीक, इसका कौन सा पेट है? ये तीसरे पेट में। ठीक है। अच्छा सर, अपने पास सिर्फ ये दो जानवर हैं या गांव में, यानी जो आपका घर है, बाड़ा है, वहाँ कितने होंगे? उधर तो बहुत हैं, यानी 50-60 होंगे, 30-40 होंगे। हमारे पास तो ये 5-6 हम खरीदते हैं वहाँ, 1, 2, 3, 4। अच्छा वहाँ से खरीद के और ये बेचते हैं। अच्छा आपका फ़ोन नंबर हो तो बताइएगा। फ़ोन नंबर नहीं मेरे पास है, बताइएगा। 0316 0 0 8 8 3। सिंधी में बताओ। 0 0 38 0 8 53 52। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? रहीम सुमरू, मीरपुर बठोरो। ठीक है सर जी, बड़ी मेहरबानी। सही ये किसकी है? सही अपनी है। सही इनके बताओगे? बलक इन्हें सा गड कटिया कटो ही ही कटो ही घने जिया ब दोनों दो दो लाख की है। ठीक है भाई, 2-2 लाख रुपए मांग रहे हैं हमारे भाई साहब हैं माशाल्लाह। सर आपका नाम क्या है? नाम क्या है? मोहम्मद साले। सलाह या साले? सलाह। कहाँ से आए? मीरपुर बठोरा। आप भी मीरपुर बठोरा से? ठीक है। माशाल्लाह ये हमारे भाई साहब हैं, ये इनकी कितनी भैंसे सर आपकी? 20 भैंसे। कहाँ से आए आप? टंडोमत खान से। सही। ठीक है सर, कौन कौन सी नस्लों की आपके पास पहले ये बताओ? इनकी नस्ल है बठोरे की नस्ल है और कुंडी? कुंडी नस्ल है। कुंडी नस्ल है। ठीक है, कौन कौन सी भैंसे ये बताओ? यहाँ से लेके यहाँ से ये भी इनकी है, ये भी इनकी है, ये भैंस भी इनकी है, ये 20 भैंसे ऐसे वो आगे तक। ठीक है तो सर, इसके अलावा भी भैंसे आपके बाड़े पे खड़ी हुई हैं, जो टंडोमत खान के अंदर जो बाड़ा है उसके अंदर आपकी खड़ी हुई है और भी भैंसे। ठीक है तो अभी मुझे चलो आप 3-4 का रेट बता दो, वो जो भैंस है उसका रेट बताओ। उसके हम 3.5 लाख मांग रहे हैं। 3.5 लाख। इसका दूध कितना? इसका दूध में है 20 किलो अभी दूध है भाई। ये माशाल्लाह इसके साथ भैंस है, ये देखो ये भैंस है। और ये कौन सी भैंस है, कौन सी नस्ल है? ये कुंडी नस्ल है। ये कुंडी नस्ल है भाई, मैं अगर से नहीं जानता लेकिन देखने वाले जानते हैं कुंडी है या बदीन है। कुंडी है, पका दे। ठीक है, देंगे हम भाई। सही है, सही है। तो इसके साथ इसका दूध कितना है? इसका दूध 20 किलो है। 20 किलो दिन का है। ठीक, इसके साथ क्या बच्चे में कट्टा कट्टी है? कट्टी है। ठीक है, और ये वाली? इसके साथ भी कट्टी है। इसके क्या मांग रहे हो? इसके 3.5 लाख। इसके 3.5 लाख रुपए। ठीक है, इसके 2.5 लाख। ठीक है। अच्छा सर, आपकी माशाल्लाह ये भैंसे हैं सारी, मैं चलो इनकी भैंसे आपको दिखाता हूँ पहले। ये भैंसे इनकी, ये भैंसे मैं इनकी आपको दिखाता हूँ। ये भैंसे हैं यहाँ तक, ये भूरी भी अपनी है। ठीक है, ये भैंसे हैं इतनी, ये टोटल इनकी भैंसे हैं। और आगे से मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि आगे ये इस साइड जाने के लिए पानी है, तो पानी के अंदर तो वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगा।
तो बहरहाल मैं उनसे भी उनका कॉन्टेक्ट नंबर और उनका नाम और वगैरह वगैरह मालूम करता हूँ इनसे। अच्छा तो सर अपना नाम और फोन नंबर ये मुझे बता दो आप। सर मेरा नाम है शेरियार कुरैशी। शेरियार कुरैशी। 0317 0317 935 नंबर है आपका, ठीक है। अच्छा इसके अलावा 20 भैंसों के अलावा कितनी भैंसें खड़ी हैं? उधर 15 भैंस खड़ी हैं। अच्छा एक भैंस का आप बता रहे थे उसका बताओ। उसका करोड़ रुपए मांग रहे हैं। 1 करोड़ रुपए मांग बोल रहे हैं आपको कि आप दे दो। उसका दूध कितना है? उसका दूध 20-25 किलो है। 25 किलो है उसका दूध। वो कौन सी नस्ल की है? वो कुंडी नस्ल की, एक नंबर बकरे है। अच्छा पूरी पाकिस्तान में नहीं है, भले शर्त कोई रखे। रात आ जाऊं मैं आपके पास? भले रात को आ जाना। रात को मैं इंशाल्लाह आपके पास आता हूं तो मैं टनों थान का ही परे तो नहीं। मेरा ऐलान है। अच्छा पूरे 5-5 लाख की शर्त रखता हूँ। 5-5 लाख रुपए की शर्त रखे हो इसके पास? इसको जो मार गए ना 5-5 लाख मेरे से उठा के ले जाए। ठीक है देख लो। भले ओ नहीं अरे बेफिक्र रहो इस बात से। अच्छा भले जात कोई भी होवे, बटेरा होवे, भले कितना बड़ा भी, उससे मैं मुकाबला करने वाले तैयार हूँ। पंजाब के गुजर भी? भले गुजर हो मैं। चलो ठीक है भले भाई। तो ये चैलेंज दे रहे हैं, उस जैसी भैंस अगर किसी के पास हुई तो कितने रुपए दोगे उसको? 5 लाख दूंगा। 5 लाख रुपए ये उसको देंगे और इनकी भैंस जो है पूरे पाकिस्तान में 1 नंबर पर बाकायदा पहला नंबर है इंशाल्लाह। इनकी भैंस भी मैं आपको अभी रात को इंशाल्लाह इनके भाड़े पे जाऊंगा, फिर इंशाल्लाह दिखाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।